शाहजहांपुर में वोकल फॉर लोकल थीम पर आधारित खादी ग्रामोद्योग द्वारा आयोजित 3 दिवसीय प्रदर्शनी का प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 30 प्रजापति लोगों को विद्युत चलित चाक, 8 लोगों को दूना पत्तल मशीन और 5 लोगों के समूह को दीपक बनाने वाली मशीन वितरित की। इस दौरान वित्त मंत्री ने प्रदर्शनी में लगे स्टॉलों का निरीक्षण किया और लोगों से स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किए जाने की अपील भी की। प्रदर्शनी में गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट एवं माटी से बने बर्तन और खादी से बने कपड़े लोगों का मुख्य आकर्षण के केंद्र रहे। जहां मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि खादी ग्रामोद्योग की ओर से लगाई गई इस प्रदर्शनी से लोगों को रोजगार मिलेगा और प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत अभियान का सपना साकार होगा। ये आत्मनिर्भर भारत के तहत ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, इसमें 6 जनपदों के व्यवसायी लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ख़ास तौर से मुझे खुशी है कि माटी कला बोर्ड के द्वारा अभी तक जो चीज़ें प्रजापति समाज के लोग हाथ से करते थे, जो हाथ की कारीगरी करते थे, उन लोगों को अपना उत्पादन बढ़ाने में और कम से कम शक्ति लगे और ज़्यादा से ज़्यादा उनका आउटपुट हो, इसलिए ये मशीनें वितरित की जा रही हैं। चाक बर्तन बनाने के लिए, दिया बनाने की मशीन और पत्तल बनाने की मशीन। मुख्य उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसके अंतर्गत ही है कि हमारी जो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की वित्त पोषित इकाइयां हैं जिनको बैंकों से ऋण दिलाकर विभाग द्वारा वित्त पोषित करा करके स्वरोजगार स्थापित कराए गए हैं, उनको अपने उत्पादों की बिक्री के लिए